हेलो स्टूडेंट, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास एंड चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 8, दैट इज द पॉबल हु हैज नो टोज। सो चिल्ड्रन प्लीज ज्वाइन द क्लास फर्स्ट सो वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। So first, good morning student. So firstly, I will give you a quick summary of the poem which we have already read yesterday. So the title of the poem was "The Pobble Who Has No Toes Is the Happiest Creature." Pobble जिसका एक भी toe नहीं है, वो सबसे happiest creature है, सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला क्रिएचर है। सो द पोएट ऑफ दिस पोएम इज एडवर्ड लेयर, बोर्न इन 1812 एंड डाइड इन 1888। एंड एडवर्ड लेयर वाज अ ब्रिटिश पोएट एज वेल एज एन इलस्ट्रेटर, दैट मींस अ पिक्चर आर्टिस्ट। सो ही बिगन हिज करियर एज एन आर्टिस्ट एट द एज ऑफ 15 एंड द फर्स्ट बुक of nonsense published in 1846, this book was written by Edward Lear so that he can amuse or he can entertain his friends. So Edward Lear has an obsession of giving names to each and everything, either that thing is living, non-living, existing thing or non-existing thing. तो हमने पढ़ा था कि Edward Lear की एक आदत थी कि वो हर एक चीज को नाम दिया करते थे, चाहे वो चीज कोई लिविंग थिंग हो, कोई लिविंग ह्यूमन बीइंग हो, या कोई पेट एनिमल हो, या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग हो या नॉन एग्जिस्टिंग। नॉन एग्जिस्टिंग का मतलब होता है यहाँ पे कि जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हो, जो चीज वास्तविकता में हो ही ना, उन सारी चीजों को भी एडवर्ड लेयर इमेजिन करते थे और इमेजिन करने के साथ साथ उसे एक पर्टिकुलर नेम देते थे। और एडवर्ड लेयर मोस्टली नॉन सेंसिकल पोएम लिखते थे, दैट मीन्स ऐसे पोएम्स लिखते थे जिनके रियलिटी में कोई सेंस ना हो, या वैसी चीजें जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही ना करती हो। ओके, तो जैसे कि ये क्रिएचर है पॉबल, पॉबल उनका एक इमेजिनरी क्रिएचर था जिसे उन्होंने नाम दिया था पॉबल। और एक और थिंकिंग थी इस पॉबल की कि उस पॉबल के 10 टोज थी, उसके पैरों की 10 की 10 उंगलियां मौजूद थी, जिसे उसे डर था कि वो उंगलियां कहीं खो ना जाए। तो यही आपका पोएम स्टार्ट हुआ था, आपका पोएम सबसे पहले कि जो पॉबल है उसके रियलिटी में तो कोई टोज होंगे नहीं, बिकॉज वो एक इमेजिनरी क्रिएचर ही है। तो उसकी शुरुआत होती है कि कुछ लोग पॉबल को या कुछ क्रिएचर्स कहते हैं कि समडे You may lose all of your toes. कि एक दिन तुम्हारे सारे toes गायब हो जाएंगे, जिसपे पॉबल गुस्साता भी है। फिर उसकी जो आंट जुबिस्का थी, उस पॉबल की आंट जुबिस्का, उन आंट जुबिस्का ने उसके लिए एक ड्रिंक तैयार की, दैट वॉज लेवेंडर ड्रिंक, जिसपे उन्होंने पिंक कलर की शेडिंग की हुई थी, मतलब पिंक फ्लेवर भी डाल रखा था। सबसे पहले आंट जुबिस्का ने वो ड्रिंक तैयार की उसके लिए। उसके बाद पॉबल कहीं जा रहा था, he was going to swim across the Bristol Channel. Bristol Channel को वो क्रॉस करने वाला था by swimming. तो उसकी आंट जुबिस्का ने उसके साथ एक थ्योरी या एक चीज शेयर की थी। क्या थी वो चीज? उन्होंने शेयर किया था कि अगर पॉबल का जो नोज है वो हर वक्त वार्म रहेगा, हर वक्त गर्म रहेगा, तो उस पॉबल के टोज को कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। ओके? कि अगर तुम्हारे नाक हर वक्त गर्म रहेगी, नाक ठंडी नहीं होगी, तो तुम्हारे टोज भी सही सलामत रहेंगे, उनकी आंट जुबिस्का ने कहा था पॉबल को। तो हर वक्त नोज को वार्म करने के लिए कुछ करना था पॉबल को, क्योंकि वो पानी में जा रहा था, पानी में वो जैसे एंटर करेगा उसके नोज जो है ऑलरेडी ठंडे हो जाएंगे। तो इसके लिए पॉबल ने एक रेड कलर का
क्लोदिंग पीस लिया, एक कपड़े का टुकड़ा लिया जो कि ब्राइट रेड कलर का था, और उस टुकड़े को अपने नोज पे अच्छे से रैप कर लिया और फिर निकल दिया वो चैनल क्रॉस करने के लिए। फिर क्या हुआ, जब वो चैनल क्रॉस कर रहा था तो रास्ते में उसे शिप, बोट, ये सारी चीजें एज एन ऑब्स्टिकल फेस करनी पड़ी। तो उसने एक बेल की साउंड उन लोगों को इंडिकेट की, जो सेलर्स थे या जो नेवी ऑफिसर्स उस बोट या शिप पे मौजूद थे उन लोगों को उसने एक साइन दिया बेल की, ताकि वो लोग सुन सके। तो जब वो लोग उस पॉबल की रिंग की आवाज सुनते हैं तो वो उसको देख के चिल्लाते हैं कि ये देखो, ये जो पॉबल है, इसकी आंट जो है, उस आंटी की जो बिल्ली है उसके लिए ये मछली लेने के लिए जा रहा है। कैसे बिल्ली है, दैट कैट वाज अ रंसिबल कैट, वो एक सिली कैट थी जिसकी बड़ी बड़ी मूछें थी। लेकिन रास्ते में उसके साथ एक इंसिडेंट हो जाता है। क्या होता है वो इंसिडेंट, कि वो अपने चैनल के एंड तक, आखिर तक पहुंचने वाला था, वो उस नदी के किनारे पहुंचने वाला था। अचानक से क्या हुआ, एक पॉर्पोइस, एक और क्रिएचर था जो उस सी में तैर रहा था, वो पॉर्पोइस उसका जो लाल टुकड़ा वो नाक पे लपेटे था वो लेके चला गया। अब क्या हुआ, पॉबल को ध्यान आता है कि उसके जो टोज थे वो तभी सेफ होंगे जब उसका नोज वार्म रहेगा। तो उसके टोज गायब हो गए, एक्सक्यूज मी। पॉबल के टोज गायब हो चुके थे। Gracias.
सो चिल्ड्रन ये पेज नंबर 82 था. सम साउंड्स दैट पीपल मेक, कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो लोग उस साउंड को निकालते हैं. तो यहाँ पे आपको 1 to 6 में वो साउंड्स गिवन थे और आपको बताना था कि ये साउंड कब निकलता है. मैंने ऑलरेडी लिख दिया, मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. फर्स्ट साउंड था हमारा बर्प. तो ये बर्प की आवाज कब होती है आपको बताना था. सो इट इज आफ्टर ईटिंग. सिमिलरली ऑल ऑफ दीज आर नोटेड डाउन. Second was boohoo, that is crying. Third, achhu, that is sneezing. And similarly. So in page number 83, you have to fill the blanks with pronouns, okay? So here a box is given in page number 82 and 83, where different types of pronoun are given. Personal, reflexive, possessive, relative, indefinite, interrogative and demonstrative. And with the use of these types of pronouns, you have to fill these blanks. Okay. So first, you must note it down in your book, and then I will explain each and every type of pronoun line by line. Okay. First, we will complete the writing section. Please note it down. Then we will complete the exercise on page number 84. So in page number 82, there are different types of pronoun. First is a personal pronoun. Personal pronoun is used in place of the person or people that we are talking about. तो किसी person के बारे में, एक particular person के बारे में हम बोल रहे हो, वहाँ पे हम personal pronoun use करते हैं, जिस person के बारे में हमें पता हो.
इट वेरीज अकॉर्डिंग टू नंबर, और ये पर्सनल प्रोनाउन नंबर से वेरी करता है, जितने लोग होंगे उस अकॉर्डिंग हमारा पर्सनल प्रोनाउन यूज होगा, या फिर जो जेंडर है मेल है फीमेल है उस अकॉर्डिंग भी पर्सनल प्रोनाउन वेरी करेगा. तो पर्सनल प्रोनाउन के वर्ड्स गिवन है आई मी, आई यानी मैं, मी, यू ही, हिम शी, हर, वी, अस, दे, इट एंड देम. तो देखिए यहाँ पे ही यूज होगा मेल के लिए, शी यूज होगा फीमेल के लिए, हिम यूज होगा मेल के लिए, हर यूज होगा फीमेल के लिए, वे यूज होगा दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए, दे उसमें भी ज्यादा लोगों के लिए यूज हो रहा है, और आई या मी सिंगल पर्सन अपने लिए यूज होता है. नाउ एग्जांपल है आई प्ले चेस. नेक्स्ट एग्जांपल है शी लाइक स्विमिंग. तो यहाँ पे आई और शी ये दोनों हमारे पर्सनल प्रोनाउन है. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, व्हिच इज यूज्ड टू रेफर टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. जो सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी यूज हो चुका है सेंटेंस में उसको रेफर करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, ourself, themself, itself and yourself. जैसे कि example देखिए, the girl looked at herself in the mirror. तो यहाँ पे जो the girl है हमारा subject है, इस girl को refer करने के लिए reflexive pronoun use हुआ है जो कि है herself. Next sentence है I bought myself a nice book on my birthday. तो I bought, यहाँ पे I हमारा subject है और इस I को refer करने के लिए यहाँ पे हमने myself reflexive pronoun use किया है. Next है possessive pronoun. That is used to share possession. That means वो चीज़ किसको belong करती है. Mine, hers, his, ours, theirs and yours. ये सारे हमारे possessive pronouns हैं. जैसे कि the bag is mine. वो bag किसको belong करती है? मुझको. Next है a relative pronoun used to connect clause or phrase. तो इसे clause या phrase को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को. एग्जांपल है वर्ड्स है सॉरी हु, होम, हुज, विच, व्हाट एंड दैट. हु हो, होम हो, हुज, इन सब वर्ड्स को रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज करते हैं. द लेडी हु इज वियरिंग अ ब्लू साड़ी इज माय इंग्लिश टीचर. तो इंग्लिश टीचर कौन है? वो लेडी जो ब्लू साड़ी पहनी है. तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस थे, दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमने सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया रिलेट करने के लिए. नेक्स्ट है इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज टू रेफर टू समथिंग वेगली. तो एक आम तौर पर यूज करने के लिए हम इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे कि वर्ड्स है ऑल, अनदर, एनी, anybody, anyone, anything, few, some, somebody, someone, something, many, most. ये सारे words हमारे indefinite pronouns हैं. Example है someone should know him. किसी ना किसी को तो पता ही होगा उसके बारे में. Next है everyone in the room was asking for you. तो यहाँ पे indefinite है, कोई भी इस बात को जानता होगा या किसी को पता होगा. एक पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही है. अगर पर्टिकुलर पर्सन की बात होती तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन लगता, लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल है, किसी ने किसी को उस चीज के बारे में पता होगा या कोई ना कोई उसे जानता होगा, तो वैसे प्रोनाउन को हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि समवन, समबडी, एनीबडी, अनदर, एवरी और एवरीवन. ये सारे हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं. नेक्स्ट है एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन. जब क्वेश्चन पूछने की बात होती है तो वहां पे हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन लगता है. तो जहां भी आपको इंटरोगेटिव यूज होता है, इंटरोगेटिव का मतलब ही हो गया आपका क्वेश्चन पूछने वाली चीज.
वर्ड्स हो जाएंगे हु होम वॉट विच एंड हुज. तो एग्जाम्पल है हु इज दैट बॉय, कौन है वो लड़का. हेयर हु इज द इंटरोगेटिव प्रोनाउन. सेकेंड सेंटेंस इज विच इज योर फेवरेट बुक, तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है. हेयर विच इज द इंटरोगेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट इज अमेंडेड डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज टू पॉइंट टू और शो समथिंग. एक पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे कि दिस दैट दीज एंड दोज. तो दिस इज माई हाउस, ये घर मेरा है. सो हियर दिस इज द डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन. सिमिलरली दैट इज माई स्कूल, वो स्कूल मेरा है. तो हियर दैट इज द डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब क्या है, आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल प्रोनाउंस. सुटेबल प्रोनाउन को चूज करके आपको ब्लैंक को फिलअप करना है. द फर्स्ट इज आर डैश वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन. तो आर के साथ क्या यूज होगा, आर यू वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन. आर यू, क्या तुम प्रेजेंटेशन पे वर्क कर रहे हो. तो ये आपका कौन सा सेंटेंस है, यह आपका एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि एंड में क्वेश्चन लगा है. सेकेंड है एक्सक्यूज डैश मी डैश आस्क अ क्वेश्चन. तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सक्यूज मी मे आई आस्क अ क्वेश्चन. एक्सक्यूज मी, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. तो यहाँ पे आपका मी और आई दोनों प्रोनाउंस है. नेक्स्ट है दिस हाउस इज डैश, ये हाउस किसको बिलोंग कर रहा है. यहाँ पे हमारा पजेसिव प्रोनाउन लगेगा. सो दिस हाउस इज आवर्स, दिस हाउस इज आवर्स. नेक्स्ट है फोर्थ, तरुण्स मॉम आस्क्ड डैश टू मो द लॉन. तो तरुण मॉम आस्क्ड हिम, तरुण्स मॉम आस्क्ड हिम टू मो द लॉन. फिफ्थ है इट्स अ फेवरेट गेम ऑफ हिज, इट इज अ फेवरेट गेम ऑफ हिज. और लास्ट है आपका इज दिस हाउस योर्स, ये घर किसको बिलोंग करता है. तो इज दिस हाउस योर्स. Now turn to page number 84. Page 84 में आपको दिया है rewrite these sentences replacing the highlighted noun with suitable pronoun. तो यहाँ पे question number 1 to 5 में आपको कुछ sentences दिए हुए हैं जिसमें हाईलाइटेड नाउन्स है, उस नाउन को आपको प्रोनाउन से रिप्लेस करना पड़ेगा. फर्स्ट सेंटेंस आपका है चंद्रगुप्त वाज चाणक्यस डिसिपल. तो यहाँ पे आपका हाईलाइटेड वर्ड है चंद्रगुप्त. अब आपको इस चंद्रगुप्त को रिप्लेस करना है एक प्रोनाउन से. ओके इसका हो जाएगा तो यहाँ पे चंद्रगुप्त जो था वो नाउन था हमारा. नाउन को हमें प्रोनाउन से रिप्लेस करना था तो हो जाएगा चंद्रगुप्त की जगह ही वॉज चाणक्यस डिसिपल. नाउ सेकंड है राधा ब्रोक द वेस. यहाँ पे राधा और द वेस दोनों को हमें चेंज करना है तो हो जाएगा राधा की जगह शी, क्योंकि फीमेल है शी. She broke it. Next है Elizabeth is from London. यहाँ पे Elizabeth को हमें replace करना है. तो Elizabeth की जगह she लग गया. She is from London.
फोर्थ है माई मॉम एंड विभू आर वॉचिंग टीवी. यहाँ पे आपको विभू नाउन को रिप्लेस करना है तो हो जाएगा माई मॉम एंड ही आर वॉचिंग टीवी. और फिफ्थ है आपका दीज बुक्स आर श्रीनास. तो यहाँ पे श्रीनास को आपको रिप्लेस करना हो जाएगा दीज बुक्स आर हर्स. ओके दीज बुक्स आर हर्स, ये बुक उसके हैं. ओके तो देखा आपने कैसे फर्स्ट पे हमारा था नाउन चंद्रगुप्त, उस चंद्रगुप्त को हमने रिप्लेस कर दिया ही से, ही प्रोनाउन था हमारा यहाँ पे. सेकंड हमारे राधा, फर्स्ट था हमारा नाउन राधा जिसको हमने रिप्लेस किया शी से, और हमारा नाउन था द वास, उसको हमने रिप्लेस किया इट प्रोनाउन से. नेक्स्ट सेंटेंस में हमारा था एलिजाबेथ इज फ्रॉम लंडन, तो यहाँ पे एलिजाबेथ जो है उसको हमने रिप्लेस कर दिया शी से. नेक्स्ट फोर्थ है हमारा माई मॉम एंड विभू आर वॉचिंग टीवी, हमारा यहाँ पे विभू जो था हमें इसे चेंज करना था तो हमारा विभू की जगह ही लग गया. वैसे ही फिफ्थ में दीज बुक्स आर शीनाज, हमें शीनाज जो नाउन था उसे रिप्लेस करना था प्रोनाउन से तो हमने शीनाज की जगह हर्स लगा दिया. उसके बाद आपका है इट्स टाइम टू प्ले द ग्रामर गेम, ये नहीं होता है. नेक्स्ट भी जो आपका दिया है ब्लैंक, आप सोच रहे हैं ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिखा है लिसन टू सम सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स. ये सेंटेंसेस लिसन करना, तो हमारा लिसन करने के लिए हमारे पास कोई वैसी चीज प्रोवाइडेड नहीं है तो इसीलिए ये भी नहीं होगा. इसके बाद चिल्ड्रेन जो क्वेश्चन आंसर है वो सारे क्वेश्चन आंसर, अभी टाइम उतना रिमेनिंग नहीं है तो क्वेश्चन आंसर जितने भी है वो सब मैं कल एक्सप्लेन करूंगी, और इसके साथ साथ आपको सारे क्वेश्चन आंसर और फिल द ब्लैंक्स के पीडीएफ फॉर्म आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे. ओके चिल्ड्रन, इज देयर एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई पूछना है? Anyone children, is there any problem? और कल हम लोग क्वेश्चन आंसर और जो एक पेज और ऑब्जेक्टिव के रह गए पेज 81 वो दोनों हम लोग सॉल्व करेंगे. थैंक यू सो मच चिल्ड्रन.